चलो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोगेशन क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, चलो थर्ड क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3x-1 बटे में x-1 x-2 x-3। इसका इंट्रोगेशन निकालना है। तो सबसे पहले बताओ तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में तोड़ते हैं, फॉर्मूला लिखवाते हैं। देखो तो बच्चे लोग क्या होगा, कितना लिखेंगे इक्वल टू, हाँ a बटे में, ठीक है हाँ ठीक है, a बटे में x-1, b बटे में x-2, यानी कि जो तीनों टर्म है उसको a b c के साथ रख देते हैं। चलो अब इसका क्या, फिर से अच्छा मिनट, ठीक है चल अब इसका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, x-1 x-2 x-3। तो अब अगर हम a के साथ लिखना चाहेंगे तो ये से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई a के साथ आ जाएगा। x-2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ x-1 x-3 होगा। c के साथ क्या होगा बताओ, ठीक है तो ये दोनों तरफ से देखो इसको भी तो यहां लिखेंगे वन टाइम्स, x-1 x-2 और x-3, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना यहां से पूरा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 3x-1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, a बचेगा x-2 x-3, बी के साथ क्या बचेगा x-1 x-3, सी के साथ क्या बचेगा x-1 और x-2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इसको मान लो सेकंड। अब तुम्हें क्या करना है ना, ये इसके इक्वल लिख सकते हैं कब, जब एबीसी का मान करेक्ट हमें निकल जाए। एबीसी का मान निकालना ही सबसे बड़ा यहां पर रूल है। तो देखो तो ए का मान निकालना अगर होगा तो हमको बी और सी को एक साथ जीरो करना होगा, और बी और सी जीरो होगा तभी तो ए का मान निकाल पाएंगे हम लोग। तो बी और सी को एक साथ जीरो करने के लिए हम लोग देखते हैं कि बी और सी में ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में कॉमन है, x-1 दोनों में है। अगर मैं x के जगह पर 1 पुट कर दे, x = अगर हम 1 रख दे तो 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0, एक्स पे 1 पुट कर देंगे तो 1 में से 1 गया 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0। तो इसका मतलब इसमें जहां जाए एक्स से 1 रख दो, तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, ये कितना हो गया 1 में से 2 गया -1, 1 में से 3 गया -2, -1 +2, तो a का मान 1 आ जाएगा यहां से 2/2 कर देंगे। तो सबको समझ में आ गया ये वाला, a का वैल्यू कैसे निकालें। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे b की वैल्यू निकालना है तो a और c को एक साथ जीरो करना होगा, तो ऐसा क्या वैल्यू x का पुट करें जिसमें a और c एक साथ जीरो हो जाए। हाँ तो कौन, दोनों में कॉमन टर्म हम लोग देखेंगे तो दोनों में कॉमन टर्म है x-2 x-2। अब देखो अगर x के जगह पर अगर हम लोग 2 पुट कर दें तो दोनों एक साथ जीरो हो सकता है, तो पुट कर देंगे क्या x = 2। चलो जहां जाए x से 2 पुट कर दो, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 6 6 में से 1 गया 5, 2 रखेंगे तो ये 0, 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है, 2 में से 3 गया -1,
माइनस बी आ जाएगा। चलो अब ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर टू पुट कर देंगे, टू माइनस टू के जरिए पूरा जीरो हो गया। तो b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस को उधर भेज देंगे, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो c को निकालने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा एक साथ। तो देखो तो क्या पुट करें, दोनों में कॉमन क्या है प्रिया, थ्री है ना, x x माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू पुट कर दो थ्री, थ्री पुट करने पर कितना हो जाएगा, थ्री थ्री सा नाइन, नाइन में से वन गया एट, थ्री पुट करेंगे तो ये जीरो, थ्री पुट करेंगे तो ये जीरो, और थ्री पुट करने पर ये कितना हो जाएगा, ये तो टू हो जाएगा, थ्री में से वन गया टू और ये हो जाएगा वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे लोग, फोर, ए निकल चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है। अब ये तीनों का मान अगर हम यहां पुट कर दें और उसके बाद इंटीग्रेशन निकाल दे, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन पता ही, लॉग में भी होता है, इसका भी लॉग में भी होता है, इसका भी लॉग भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। इसको पहले, हाँ पहले इसको यहां तक नोट कर लो बच्चे लोग, सब लोग तुम लोग यहां पे, तुम्हारा हो गया प्रिया, लिख दो पुटिंग द वैल्यू एबीसी इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value a b c in equation first। चलिए a की जगह पर 1 रखना है, b की जगह पर माइनस फाइव रखना है, c की जगह पर 4 रखना है, रख दो। वन बटे में x माइनस वन और माइनस फाइव बटे में x माइनस टू, फोर बटे में एक्स माइनस थ्री। यहां तक सबको समझ में आ गया, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो आप भी समझिए कि इसका इंटीग्रेशन तो इसी के इक्वल है, ये दोनों तो आपस में इक्वल ही आ गया है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालो, मतलब ये सब का इंटीग्रेशन निकालो, तो लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, लॉग मॉड एक्स माइनस वन, लॉग मॉड एक्स माइनस टू, लॉग मॉड माइनस थ्री। हो गया सबको समझ में आ गई पूरा, चलो तुमको देखो प्रिया।